बढ़ते हैं आगे। किसान आंदोलन में ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस भी शामिल हो गया है। एआईएमटीसी के अध्यक्ष गुरचरण सिंह संयुक्त किसान मोर्चा के मंच पर पहुंचे और आंदोलन को समर्थन देने का ऐलान किया। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस भी अब किसान आंदोलन के साथ आ गई है। उनके अध्यक्ष जो हैं कुलतरण सिंह अटवाल जी, आज उन्होंने मंच भी साझा किया। कुलतरण जी, क्या वजह है कि आप लोग भी साथ आ गए? ऐसा जो हमारा किसानी रिश्ता है, हम खुद किसान परिवार से हैं, हम आज भी किसानी करते हैं और हिंदुस्तान के 85% ट्रक ऑपरेटर जो हैं वो किसान परिवारों से आते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान के 85% वो लोग हैं जिनकी एक या दो गाड़ियाँ हैं और उसी तरह से किसान हिंदुस्तान के 85% वो जिनके 5 से कम खेत हैं। तो हमारा हर एक ट्रक वाला किसानी से आता है और हम किसानी से जुड़े हुए हैं। और दूसरी बड़ी बात, अगर किसान बच पाएंगे तभी हमारा ये जो ट्रेड है वो बच पाएगा, चाहे वो फसलें का मामला हो, चाहे सब्जी फूड का मामला हो। अगर ये खत्म हो जाएंगे, किसान ही खत्म हो जाएंगे, तो हम अपना काम कैसे कर पाएंगे? तो फिर आप लोग कैसे समर्थन कर रहे हैं? हम पहले दिन से किसानों के साथ में, जिस दिन 26 नवंबर से इन्होंने शुरू किया था उसी दिन हमें ऐलान कर दिया था। और 1 तारीख को हमने डिसाइड किया था कि 8 तारीख को हम एक दिन का चक्का जाम करेंगे, पूरा नॉर्थ इंडिया बंद रखेंगे। और बहुत सपोर्ट मिला हमको पूरे ट्रकर्स का, सबने 8 तारीख को बंद रखा, क्योंकि किसानों ने आंदोलन जो डिक्लेयर किया था 4 तारीख को किया था, हमने 1 तारीख को किया था। और हम आज के साथ पहले दिन से लगे हुए हैं और तन मन धन से जो भी सेवा कर रहे हैं, हम लगातार इनके संपर्क में हैं। मैं वही पूछ रहा हूँ कि क्या ट्रक ऑपरेटर्स जो हैं आगे भी कहीं ऐसा तो नहीं कि आप लोग कंटिन्यूसली अनिश्चितकालीन चक्का जाम का ऐलान वगैरह कर देंगे कि भाई जब तक समाधान नहीं होता तब तक हम लोग भी जाम में चले? बिल्कुल बिल्कुल, पहले भी हमने 1 दिन का ऐलान किया था बंद का, लेकिन हम 13 तारीख को मीटिंग करने जा रहे हैं ऑल इंडिया की, क्योंकि किसानी मुद्दों के साथ हमारे अपने मुद्दे काफ़ी हैं, क्योंकि सरकार ने हमसे वादा खिलाफी की है। पिछली बारी हमसे एग्रीमेंट करके साइन करने के बाद उन्होंने उस एग्रीमेंट को नहीं माना उस मुद्दे को लेकर। सबसे बड़ा मुद्दा हमारा डीजल का है, हमारा जो 70% ऑपरेशन कॉस्ट डीजल है। आज संसार में डीजल की कीमत कम है लेकिन हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा है। यहाँ पर 35 रुपये एक्साइज लगाई है सेंट्रल गवर्नमेंट ने और स्टेट के टैक्सेस अलग हैं, और किसानी और ट्रांसपोर्टर्स दोनों ही इससे जुड़े हुए हैं। 44E का मामला हो, हमारी जो हमने उसकी वो भी हमारी डिमांड थी, TDS की डिमांड थी, सरकार ने आज तक पूरी नहीं की, इसलिए हम हो सकता है अनिश्चितकाल उसका डिस्कशन के बाद उस पर जा सकते हैं। कुल मिलाकर ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट के लोग भी समर्थन में आए हैं और ये कह रहे हैं कि सिर्फ किसान से जुड़े मसले नहीं, इनके ही मसले हैं और इसलिए 13 तारीख को बैठक के बाद ये आगे की रणनीति भी तय करेंगे। लेकिन फिलहाल सभी जो ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के सदस्य हैं उन्होंने किसान आंदोलन को समर्थन देने का फैसला किया है। सिंगू बॉर्डर से कैमरा पर्सन मनोज कोहली के साथ मैं विश्वजीत झा, टोटल न्यूज़ दिल्ली।